हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू मोटो ब्लॉग। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं बेवर, और फ्रेंड्स यहां का पूरा मोटो ब्लॉग दिखाऊंगा सीधा चलते हुए। तो ये देख सकते हैं, जैसे ही हाईवे ख़त्म होगा तैसे ही आपको ये सिंगल रोड देखने को मिलेगा। आप समझ जाना मैं बेवर में पहुँच चुका हूँ। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हुए और बात कर लेते हैं बेवर शहर की। ये मैनपुर ज़िले से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है ये बेवर शहर, और ये सिंगल रोड है। अभी बेवर शहर में सिर्फ सिंगल रोड है और बाकी सब फुल लाइन है। और फ्रेंड्स ये भी जल्दी बन जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ के रोड्स। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ का क्षेत्रफल की, तो यहाँ का क्षेत्रफल है 0.75 वर्ग किलोमीटर। पूरा बेवर शहर बसा हुआ है इतने ही वर्ग किलोमीटर में। और सीधा चलते हुए और आपको दिखाते हैं बेवर शहर में क्या कुछ है। तो ये मेरा बेवर शहर का पहला मोटो ब्लॉग है। एक व्यूअर का कमेंट आया था कि सर बेवर शहर के बारे में कुछ बताइए और बेवर शहर का मोटो ब्लॉग शूट कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा बेवर शहर दिखाऊंगा, और ये देख सकते हैं आप यहाँ के रोड्स। अभी पानी भरा हुआ है, बारिश हो गई इसलिए। तो ये चलते हुए, पहले मैंने आपको बेवर शहर दिखाया था ड्रोन कैमरे के माध्यम से। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको बेवर शहर कैसा लगा। तो सीधे चलते हुए, अगर आप बेवर शहर से हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं आप बेवर शहर में कहाँ से हैं। तो ये देख सकते हैं, एक चीज़ तो बेवर में देखने को मिलेगी, यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं। रोड पर देख सकते हैं आप कितने पेड़ पौधे हैं। और फ्रेंड्स इतने तो पेड़ पौधे होने ही चाहिए, क्योंकि मैं मोटो ब्लॉग शूट करता हूँ, मोस्टली मैंने देखा है कि ज़्यादा पेड़ पौधे अब दिखाई नहीं देते हैं रोड्स पे, यानी कि कट जाते हैं वो हाईवे की वजह से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप बताइए आप कहाँ का मोटो ब्लॉग देखना चाहते हैं, मैं वहीं का मोटो ब्लॉग आपके लिए शूट कर दूँगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ आपको बेवर शहर कैसा लगा। तो सीधा चलते हुए, ये फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ रामलीला ग्राउंड की तरफ। तो अब आगे आपको रामलीला ग्राउंड देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स बेवर में बहुत एक समस्या का सामना बहुत ज़्यादा करने को मिलता है, वो है ट्रैफिक की समस्या। यहाँ पे आपको हर समय ट्रैफिक ही नज़र आएगा। ये मैं रामलीला ग्राउंड पहुँच चुका हूँ, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ की एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है शहीद मेला, जो आपको जनवरी फरवरी के महीने में देखने को मिलता है। और कभी आप आते हैं तो ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स सीधा चलते हुए, और फ्रेंड्स मॉर्निंग का टाइम है और मौसम भी अच्छा है, और फ्रेंड्स इतना ट्रैफिक आपको नहीं देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर आप दिन में आते हैं तो दिन में एक चीज़ की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वो है ट्रैफिक की समस्या। ज़रूरी नहीं ज़्यादा ट्रैफिक हो, हाँ फिर भी नॉर्मल ट्रैफिक रहता है यहाँ पर इस जगह पर। और फ्रेंड्स सीधा मैं मार्केट के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में अभी भीड़ भाड़ होगी। मैं चलता हूँ सीधा कानपुर रोड की तरफ। तो ये है कानपुर रोड, और सीधा चलते हुए कानपुर रोड पे ही आपको बेवर का बस स्टैंड देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये कानपुर रोड की तरफ चलते हुए। और फ्रेंड्स एक चीज़ आप बताइए, आप अगर बेवर शहर में रहते हैं तो बेवर शहर का पुराना नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। आगे मैं आपको बताऊंगा बेवर शहर का पुराना नाम क्या था। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हुए, अब मैं पहुंचने वाला हूं बेवर बस स्टैंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज तो ट्रैफिक इतना नहीं है, क्योंकि आज मॉर्निंग में इतना भीड़ भाड़ भी नहीं है, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स बता दें आपको, फतेहगढ़ यहाँ से 38 किलोमीटर, कानपुर 146, इटावा 58 यानी कि 58 किलोमीटर। ये देख सकते हैं, ये है बेवर का बस स्टैंड। और फ्रेंड्स बेवर के बस स्टैंड से आपको हर जगह की बस मिल जाती है, कहीं पे भी जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये देख सकते हैं बेवर का बस स्टैंड, बस स्टैंड भी अभी खाली है, तो ज़्यादा बसेस नहीं है अभी। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइए आपको मोटो ब्लॉग कैसा लगा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके शहर के लिए ऐसे ही मोटो ब्लॉग लाता रहूँगा। और ये मार्केट में मैं सीधा चलता हुआ, ये
देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मार्केट में मुझे तो लगता नहीं कि मैं मार्केट में मोटर ब्लॉग शूट कर पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है और ट्रैफिक भी लगा हुआ है मार्केट में अंदर। जितना संभव हो सकेगा उतना मैं दिखाऊँगा आपको। और फ्रेंड्स मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है ERSachinMBI। तो सीधा चलते हुए मार्केट के अंदर, और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं बेबर का मार्केट। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपसे पूछा था बेबर शहर का पुराना नाम क्या था, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। बेबर शहर का पुराना नाम था बिदुर नगर, बिदुर नगर से बेबर शहर को जाना जाता था। तो ये सीधा चलते हुए, और फ्रेंड्स अगर आप मार्केट की तरफ आते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर खाइए, वो है मीठे समोसे। यहाँ के मीठे समोसे बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे आपको एक शॉप देखने को मिलेगी, ये देखिए फ्रेंड्स प्यारे लाल के समोसे यहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है। और फ्रेंड्स मार्केट में आगे ट्रैफिक लगा हुआ है, इसलिए मोटो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए। और फ्रेंड्स मोटो ब्लॉग एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी न्यू मोटो ब्लॉग पर। धन्यवाद।